कुछ शरारती तत्वों द्वारा। एक मंदिर है प्राचीन, यहाँ पर हर साल भंडारा आयोजित होता है, झंडे चढ़ाए जाते हैं और आसपास के तमाम लोग यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि पीछे मंदिर पर किस तरह से शरारती तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई है। मूर्ति यहाँ से शरारती तत्वों द्वारा गायब कर दी गई है और गेट तोड़ के पीछे डाल दिया गया है और ईंटें सब अस्त व्यस्त व्यवस्था में मंदिर है। पुजारी इन तस्वीरों में गेट डला हुआ है, ईंटें जो है नीचे डली हुई हैं और यहाँ पर आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाने का कार्य किया गया है शरारती तत्वों के द्वारा। आप देख सकते हैं ऊपर झंडे हैं यहाँ पर जो हर साल यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं भक्तों के द्वारा और यह मंदिर कई सालों से यहाँ पर स्थापित है। आपका मेरा नाम सरमन दास है। यह मंदिर कब से यहाँ पर स्थापित था? मैं समझता हूँ 25-30 साल से, तो मैं ही देखा हूँ उस मंदिर को। कल यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, आपको क्या लगता है किन लोगों द्वारा यहाँ तोड़फोड़ की गई है? ये अराजक तत्व हैं इस मंदिर को, उन्होंने तोड़ा होगा और कोई बाहर से तो कोई आदमी आएगा नहीं तोड़ने के लिए। कहीं ना कहीं सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का यह कार्य किया गया है। ये हम सब लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं, हम लोग वैष्णव साधु हैं, हमारी लोगों की जो आस्था को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई गई है। हम इसके सरकार और प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हमारी भावनाओं की जो ठेस पहुँची है उसकी भरपाई हो। खिलाफ जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने ये मंदिर तोड़ा है इसकी जाँच होनी चाहिए कि किन लोगों ने ये मंदिर तोड़ा है, और असलियत जो है बिल्कुल सामने आ जाएगी जांच करने के पर। क्या मांग है आपकी शासन से और प्रशासन से? हमारी यही मांग है कि जिन लोगों ने इस मंदिर को तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे हमारे समाज के लोगों की भावनाओं को जो ठेस लगी है उसकी भरपाई। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे उनका क्या नाम है और ये घटना कैसे हुई है। क्या नाम है आपका? नीति यादव। यह घटना कब हुई है और किन लोगों द्वारा करीब की गई है? ये घटना हुई है कल 6 बजे के बाद, शाम 6 बजे के बाद। कितने लोग थे जो घटना को अंजाम दिया गया? 6 लोग थे। यह मंदिर कब से स्थापित है यहाँ पर? मैं बचपन से देख रहा हूँ इस मंदिर। इस मंदिर पर कहाँ कहाँ के लोग पूजा करने के लिए आते थे? यहाँ पूरा क्षेत्र पूजा करता है। तो क्या मांग है आपकी जिला प्रशासन और शासन से? जिला प्रशासन से मेरी ये मांग है जिसने ये मंदिर तोड़ा है सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे में आपका शिव प्रताप सिंह। तो ये मंदिर है, ये तोड़ा गया है शरारती तत्वों द्वारा, तो किस तरह से यहाँ पर लोग आते थे और क्या लगता है आपको? ये मंदिर बहुत पूजनीय था, हम लोग सिटी से यहाँ दर्शन करने के आते थे मैया के दर्शन करने। आज जब मैं आया तो मंदिर टूटा मिला, तो मैंने लोगों से पूछा मंदिर किसने तोड़ा, तो पता लगा शाम को कुछ लोग आए वो मंदिर तोड़ गए। तो क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है सरकार से कि इस मंदिर को जिन्होंने तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए।